है गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्डेनाफिल टैबलेट के बारे में। सिल्डेनाफिल आखिर है क्या, कहाँ यूज़ इसका होता है और इसका साइड इफ़ेक्ट में क्या सर दर्द इसका साइड इफ़ेक्ट है या और कोई रीज़न हो सकता है सर दर्द का। क्योंकि अधिकतर पेशेंट, कुछ परसेंटेज, इवन 80-90% पेशेंट में ये देखा गया है कि सिल्डेनाफिल लेने के बाद सर में दर्द बिल्कुल होता ही है। अधिकतर बोले तो 80-90% सर दर्द का शिकायत आती है। तो हम जानेंगे आखिर ये सिल्डेनाफिल लेने के बाद सर दर्द क्यों होता है और सिल्डेनाफिल दिन में कितना mg तक लिया जा सकता है। तो बने रहें इस वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें ताकि जो भी मेरा नया नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ से वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेहतरीन जानकारी हो सकती है। शायद से आपको ये बात पता ना हो और सिल्डेनाफिल इवन हर कोई लेता है। अधिकतर हमारे युवा समाज के लोग या ओल्ड एज के लोग भी सभी लेते हैं सिल्डेनाफिल और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम बात करेंगे इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं क्या इससे टाइमिंग बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा भूल है और ये सबसे बड़ा गलती है। प्लीज, सिल्डेनाफिल से कभी टाइम इंक्रीज नहीं होता है। सिल्डेनाफिल से कभी टाइम इंक्रीज नहीं होता, ये आपकी गलतफहमी है। सिल्डेनाफिल का काम ये है, जब आप सिल्डेनाफिल ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके वेन जितने होते हैं उनमें रक्त का प्रभाव को इंक्रीज कर देता है। रक्त को प्रभाव को इंक्रीज यानी हर नस में ब्लड को तेज़ी से सर्कुलेशन तेज कर देता है, ब्लड का सर्कुलेशन ये सिल्डेनाफिल टैबलेट तेज कर देता है। इवन आपकी जो आप किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए आप सिल्डेनाफिल ले रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ले रहे हैं सिल्डेनाफिल, तो वो इवन जब लेने के बाद, जब भी पेशेंट कोई भी अगर सिल्डेनाफिल ले रहा है तो वहाँ पर वो जाके और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। तो जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा उसके लिए ये टैबलेट बेस्ट है क्योंकि आप लेते हैं तो इसका असर इवन 6 घंटा तक, 4 से 6 घंटा तक आपके बॉडी में रहता है और उस समय बॉडी के जितने भी पार्टिकल नस वेन होते हैं छोटे छोटे वेन में उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर पेनिस का ब्लड फ्लो, पेनिस में अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसका प्रॉब्लम होगा वहाँ पर सही हो जाएगा। तो सिल्डेनाफिल के ये काम है कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिस वजह से हुआ है, यानी ब्लड फ्लो कम आ रहा है, जाहिर सी बात है कि जहाँ ब्लड फ्लो कम होगा वो पार्टिकुलर एरिया काम कम करेगा। पेनिस का अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में चला जाएगा, यानी आपका लिंग में तनाव नहीं आ पाएगा। इसके लिए सिल्डेनाफिल यूज़ कराया जाता है और बहुत सारे पेशेंट ये समझ के लेते हैं कि मेरा टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगा, यानी हम 100 mg का सिल्डेनाफिल ले रहे हैं तो दो घंटे तक शारीरिक संबंध बनाते रह जाएंगे। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या इसका सर दर्द साइड इफ़ेक्ट है। जी बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट तो है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, एक टॉपिक हो गया ना, ये समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए सिल्डेनाफिल आप ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ले रहे हैं, और ये तो ले रहे हैं उसके लिए ना, लेकिन अब आप अगर सिल्डेनाफिल खा रहे हैं तो आपके पूरे बॉडी में का जितने भी वहन है सारा में आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देगा। तो हमारे दिमाग में भी छोटे छोटे वहन्स होते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन धीरे स्लो ये फ्लो उसका स्लो रहता है, तो वहाँ पे उसका जो ब्रेन का छोटे छोटे वहन्स है उसका ब्लड फ्लो स्लो है उसको फास्ट कर देता है। वो बढ़ाने की वजह से ही सर में दर्द होता है। हालाँकि साइड इफ़ेक्ट इसका है, सिल्डेनाफिल का साइड इफ़ेक्ट सर दर्द है, लेकिन उसको आप साइड करिए, बहुत कम रेयर केस में किसी के साइड इफ़ेक्ट होता है और 80-90% मरीज में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। 80-90% में कभी भी कोई हर मेडिसिन हर पेशेंट में नहीं साइड इफ़ेक्ट करता है और ये सिल्डेनाफिल तो हर मरीज को सर दर्द कराता है।
हर मरीज को सर दर्द कराता है, तो ये इसका मतलब नहीं कि उसको साइड इफेक्ट हुआ है सिल्डेनाफिल का, ये उसके ब्रेन का ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया, इवन पेनिस का भी ब्लड फ्लो बढ़ाया, ब्रेन का भी ब्लड फ्लो बढ़ाया। जब पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ाया तो पेनिस आपका बड़ा हो गया, और अगर ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ाया तो वो सर में दर्द, यानी अगर किसी पार्टिकुलर एरिया किसी भी एरिया का ब्रेन का ब्लड फ्लो अगर रनअप करेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, तो वहाँ पे हरकत होगी। तो ब्रेन का यही है कि आपका सर दर्द करता है, ब्लड अगर ब्लड फ्लो अगर एक्स्ट्रा फास्ट होगा तो वहाँ पे सर दर्द कराएगा। तो देखा जाए तो साइड इफ़ेक्ट भी है इसका, और ये कारण से भी सर दर्द होता है। और ये बात यहाँ रहा कि क्या टाइमिंग बढ़ाने का, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टाइमिंग बिल्कुल नहीं बढ़ाते ये टैबलेट, ये भूल के भी ना सोचे कि इससे टाइमिंग बढ़ जाएगा। पेशेंट को लेने के बाद सिल्डेनाफिल आपकी क्या सोच के लिए कि हमारा टाइम बढ़ेगा, तो ब्रेन माइंड में वो घुस जाता है, वो बात माइंड में चला जाता है कि ये हम टैबलेट लिए हैं तो टाइम बढ़ाने के लिए। मेन यहाँ दिक्कत है माइंड का, आप अगर पहले से सोच रहे हैं कि हम शारीरिक संबंध बनाने जाएंगे तो मेरा जल्दी एजुकेलेट हो जाएगा, तो होगा ही, ब्रेन से एक्टिविटी चलता है ना, जब ब्रेन से एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे आपका प्रीमेच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वहाँ पे आप जल्दी एजुकेलेट हो सकते हैं। इसलिए पेशेंट सोचते हैं कि सिल्डेनाफिल ले लिए, अब बिंदास हो जाते हैं, लेने के बाद पेशेंट एकदम बिंदास हो जाता है कि सिल्डेनाफिल तो यूज़ कर लिए, अब कुछ नहीं होने वाला है, जिस चीज़ को सोच के लिए है वो काम कर जाता है। क्या ये जानकारी आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि सिल्डेनाफिल लेने से पहले उनको सारा जानकारी रहे।